नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडमिशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज एडमिशन बैंक एसीसी एग्जाम। मैं रूपा सरकार द हिंदू एनालिसिस करने जा रही हूँ ऑफ 24th of October 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल को आप पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज का पहला खबर देखते हैं क्या है। इंडिया वेट्स नेट जीरो टारगेट अहेड ऑफ सीओपी। लुक, इंडिया ने क्या कहा है, हैज द एंटायरली रूल्ड आउट ऑफ द पॉसिबिलिटी एग्रीइंग टू द नेट जीरो क्लाइमेट टारगेट। तो देखिए ये जो नेट जीरो है ये क्या है, देखिए मैंने बहुत दिन पहले, पूजा के पहले ये आर्टिकल बहुत चल रहा था फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैस होता है वो गैस को एमिशन करता है, बिकॉज वो गैसेस अगर रहे मतलब एनवायरनमेंट में रहेगा तो इट विल रियली हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो इसीलिए क्या हुआ था, 2030 तक ग्रीन हाउस एमिशन का जो प्लानिंग किया गया था तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए अमेरिका का भी मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, मीटिंग किए G20 में, तो उन्होंने क्या कहा, रिन्यूएबल एनर्जी जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, इसीलिए टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया गया, बहुत सारे प्रिकॉशन भी लिया गया, मतलब बहुत सारे प्लानिंग भी किया गया फॉर नेट जीरो इफेक्ट। तो अभी देखिए क्या है न्यूज, अभी जो न्यूज है इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया वेट द नेट जीरो। ठीक है, रोड टू द नेट जीरो क्यों, बिकॉज देखिए 2015 में ठीक है 190 कंट्रीज ने कमिटेड किया था, क्या कमिटेड किया था, वी हैव टू रिलीज द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, बट ये फुलफिल नहीं हो पाया, इसलिए बहुत सारा कंट्री ने अपना जो मतलब टाइम लिमिट है वो बढ़ा के 2050 कर लिया है, 2050 तक एमिशन हो जाएगा शायद। ठीक है, बिकॉज इसका जो रिजल्ट है ये अगर नहीं हो पाया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। रिजल्ट के मुताबिक क्या हो सकता है, दैट इज ग्लेशियर मेल्ट हो सकता है, और ग्लेशियर अगर मेल्ट हो जाए तो वेदर चेंजिंग जो मतलब इफेक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट के ऊपर विच इज वेरी हार्मफुल। ओके, सो वी हैव टू वेरी केयरफुली टैकल दिस एलिमिनेशन, बिकॉज अगर ग्रीन हाउस गैसेस को हम एमिशन नहीं कर पाए, एनवायरमेंट को हम पॉल्यूशन फ्री नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगा। देखिए इंडिया में बहुत सारा स्टेट ऐसे है जैसे कि दिल्ली, दिल्ली ने कहाँ पर कनॉट प्लेस पर स्मॉग टावर लगाया है, क्यों, बिकॉज हमें सबको पता है दिल्ली का जो वेदर है इट्स वेरी 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 पॉल्यूटेड, इसीलिए वो जो स्मॉग टावर लगाया है वहाँ पे क्या होगा, पॉल्यूटेड एयर आएगा और मतलब पॉल्यूशन फ्री एयर मतलब बाहर निकलेगा तो सब इनहेल कर पाएंगे पॉल्यूशन फ्री एयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। नियरली 700 डिटेंड इन जम्मू कश्मीर अहेड ऑफ अमित शाह। लुक, आफ्टर 370 आर्टिकल आफ्टर इनएक्टिंग, अमित शाह पहले बार जम्मू कश्मीर विजिट करने जा रहा है, हमारा होम मिनिस्टर, तो वहां पर क्या हुआ, देखिए 700 को डिटेंड मतलब वहां पर पकड़ के रखा है, बिकॉज क्यों, बिकॉज वहां पर अभी तक देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो देखिए न्यूज पे क्या है, फॉलोइंग द सिविलियन किलिंग अहेड ऑफ द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह 3 डेज विजिट करने जा रहा है टू कहां पर, श्रीनगर पर फ्रॉम सैटरडे। नियरली 700 पीपल हैव बीन डिटेन्ड इन जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग फ्यू अंडर स्ट्रिंजेंट पब्लिक सेफ्टी एक्ट दैट इज PCPSA। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। उसके पहले एक चीज आपको याद रखना है, ये तो क्या न्यूज की अमित शाह जी जा रहे हैं आफ्टर 370 आर्टिकल एक्ट के बाद, हाँ, तो लेकिन यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चन क्या आ सकता है, दैट इज प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ। व्हाट इज प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ, इट इज अंडर जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। आई रिपीट, इट इज अंडर जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। अ पर्सन इज टेकन इंक्लूडिंग custody or to prevent him or her from the acting in any manners that is prejudicial to the security of the state or the maintenance of the public order। मतलब अगर कोई कंट्री में कुछ मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम मतलब कोई झमेला कर रहा है या कोई भी आतंकवाद हो सकता है, तो आर्टिकल मतलब सेफ्टी एक्ट 1978 के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, उनको जेल में रख सकते हैं। कितने ईयर तक रख सकते हैं, 2 साल तक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ की अंडर आता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं, दैट इज अमर फल्कन इन मणिपुर फॉर एग्रीकल्चरल माइग्रेशन। तो देखिए ये जो न्यूज है, ये न्यूज मतलब अच्छा न्यूज है, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव न्यूज है। अब देखिए अमर फल्कन एक मतलब बर्ड है, तो क्या हो रहा है, इनका जो मतलब मणिपुर में एनुअल माइग्रेशन होता है, ठीक है,
with the arrival of the migratory Amur falcon to district कहाँ पर हो रहा है देखिए Temanglore district of Manipur for the annual spot over state forest and the environment minister यहाँ पर देखिए as appeared to the people not to hung the seas every देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर static question ज़्यादा important है कि ये जो मतलब bird है उसका originated कहाँ है origin मतलब यहाँ पर ये सब question आ सकता है देखिए तो यहाँ पर normal जो bird है देखिए Amur falcon the world's longest traveling रैप्टर स्टार्ट ट्रैवलिंग विद द ऑनसेट ऑफ विंटर ठीक है सबसे ज्यादा मतलब ऑनसेट में वो ट्रैवल कर सकते हैं ये ऐसा बात है द रैप्टर बेस्ड ऑन द साउदर्न साइबेरियन इन द नॉर्थन चाइना एंड माइग्रेट द मिलियन अक्रॉस इंडिया ओवर द इंडियन ओशन कहाँ पे मिलता है देखिए अक्रॉस द इंडिया एंड देन ओवर द इंडियन ओशन को छोड़ के कहाँ जाता है टू द साउथ अफ्रीका बिफोर रिटर्निंग टू द मंगोलिया अब मंगोलिया से मतलब बैक करते समय कहाँ पे जाता है साइबेरिया ठीक है तो मतलब कहाँ इसका जो एरिया है ये बहुत बड़ा है ये आपको याद रखना है देयर 22,000 किलोमीटर माइग्रेटरी रूट इन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द एवियन स्पीसीज कितना लॉन्ग रूट है देखिए 22,000 ठीक है 22,000 किलोमीटर चलिए और ये जो बर्ड है ये कहाँ पर दिखने को मिलता है दैट इज दायंग लेक विच इज सिचुएटेड इन नागालैंड वहां पर बहुत सारे ये एमल फैंकल ड्यूरिंग द एनुअल माइग्रेशन में बहुत ज्यादा मिलता है और कहाँ मिलता है और द नागालैंड इज ऑल्सो नोन एज द फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ये क्वेश्चन वन डे में आ ही सकता है आप ये याद रखिए क्या है फैल्कन कैपिटल ठीक है फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ठीक है ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है दैट इज नागालैंड को बिकॉज वहां पे जो मतलब लेक है दैट इज नाम इज डोएंग लेक वहां पर ये बर्ड बहुत ज्यादा मिलता है चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है इंडिया एंड यूके टाई वाइटल इन इनकमिंग डिकेड्स अब देखिए इंडिया और यूके के बीच में क्या हो रहा है टाई हो रहा है क्यों बिकॉज देखिए रिलेशनशिप बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया इज वाइटल ओवर द कमिंग डिकेड्स फॉर यूके फॉरेन मिनिस्टर दैट इज एलिजाबेथ ट्रस्ट सेड हियर किसके साथ हो रहा है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स मिनिस्टर दैट इज जयशंकर जी के साथ मीटिंग हो रहा है क्यों मीटिंग हो रहा है फॉर एफटीए ठीक है नॉट ओनली एफटीए दे वांट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी हमको स्ट्रॉन्ग करना है ठीक है तो एफटीए क्या होता है ये हमको जानना है व्हाट इज एफटीए एफटीए इज नथिंग बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर सोचिए कोई भी कंट्री का सपोज यूके के साथ इंडिया का अगर टाई अप हो जाए तो क्या होगा अगर एफटीए मतलब कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है यूके में हम उसको मतलब इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा चार्जेस लगते हैं अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ टाई अप हो जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा थ्रू दैट भी मतलब हमें ड्यूटी बहुत कम देना पड़ेगा इनफैक्ट बहुत बहुत प्रोडक्शन में ऐसे भी हो सकता है कि हमें वो एफटीए ना ही देना पड़े मतलब इंपोर्ट ड्यूटी ना देना पड़े लेकिन ये जो मीटिंग है इज बेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफटीए चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है नेक्स्ट न्यूज है एनआईए अरेस्ट 8 मोर टेरर सस्पेक्ट इन जम्मू कश्मीर लुक व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईए दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किन को अरेस्ट किया है 8 मोर टेररिस्ट ग्रुप को अरेस्ट किया है ठीक है कहां से अरेस्ट किया है इन द मोर फ्राइडे इन कनेक्टिविटी विद द कॉन्स्पिरेसी टू कैरी आउट द टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में ठीक है आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में और 8 पर्सन को अरेस्ट किया है सस्पेक्ट कर रहा है कि वो लोग आतंकवाद फैला सकता है अब देखिए जम्मू कश्मीर में ये सारा क्यों किया जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल अमित शाह जी 370 एक्ट के द्वारा मतलब एक्ट जो है वो लागू होने के बाद फर्स्ट टाइम हमारा होम मिनिस्टर दैट इज अमित शाह जी वहां पर जा रहे हैं तो 700 पीपल को वहां पर डिटेन ऑलरेडी कर चुके हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी 8 मतलब लोगों को पाया गया है जो आतंकवाद के साथ मतलब हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना पड़ेगा दैट इज द केस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑन द अक्टूबर 10 अगेंस्ट दोज हु एसोसिएटेड विद द लक्षरी तैयबा ठीक है जैश मोहम्मद एंड हिजबुल मैनूज एंड अल बहार दे आर एसोसिएटेड सच एज द रेसिडेंट फ्रंट ऑफ द पीएएफ तो मतलब देखिए
अभी जो तालिबान मतलब तालिबान ने क्या कंट्रोल कर लिया है, अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया। नॉट ओनली दैट, उन लोगों का कैबिनेट भी फिक्स्ड हो चुका है, जो मिनिस्टर है वो भी फिक्स्ड हो चुका है, क्लियर। उन लोगों का रूलिंग पार्टी भी आ गया है। लेकिन ये जो हो रहा है इसके बाद वी आर हैव टू केयरफुल रिगार्डिंग आवर ऑल स्टेट्स, बिकॉज कहीं पर भी ये हो सकता है। कोई भी कंट्री देखिए, G20 मीटिंग हो रहा है, G7 मीटिंग हो रहा है, क्यों? बिकॉज अफगानिस्तान की तरह कोई भी कंट्री मतलब वो जो टेररिस्ट के अंडर में नहीं आना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दैट इज कौन सा कहाँ पर, ये देखिए जो नाम दिया हुआ है, दैट इज लश्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब सब मतलब टेररिस्ट ग्रुप है, ये सब के अंडर वो 8 लोग हो सकता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए विंटर सेशन लाइकली फ्रॉम नवम्बर एंड, ठीक है। द सेशन लाइक टू टू हैव नियरली 20 सीटिंग विल कंक्लूडेड अहेड ऑफ क्रिसमस। देखिए द मंथ लॉन्ग विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा था वो कब खत्म होगा, नवंबर में, लाइकली टू कमेंस फ्रॉम द फोर्थ वीक ऑफ नवंबर, ठीक है, फॉलोइंग ऑल कोविड प्रोटोकॉल। क्या उसके क्या बारे में बात हो रहा था, देखिए कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रहा था कि कैसे कोविड को कंट्रोल किया जाए। देखिए कल ही न्यूज में था, इंडिया ने कितना 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ वैक्सीन यहाँ पर ऑलरेडी दिया हो चुका है, ठीक है, 100 करोड़, ये आपको याद रखना है। इनफैक्ट पार्लियामेंटरी शोर सेड दैट फ्राइडे द सेशन विच इज लाइकली टू हैव अराउंड 20 थिंग्स वुड कंक्लूडेड अहेड ऑफ द क्रिसमस डे सेट, ठीक है, हाउ टू मेंटेन द कोविड प्रोटोकॉल, हाउ टू मतलब देखिए कैसे प्रिकॉशन लेना है, ये सब चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और एक चीज यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट इज वी हैव टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल स्टेट। देखिए ये जो नया पंजाब में गुजरात में सीएम का सिलेक्शन हो गया, आप मुझे कमेंट करके बताइए वहां पर सीएम क्या कौन आया है, ठीक है, वहां पर क्यों सिलेक्शन हुआ है, बिकॉज दे आर नॉट कंट्रोलिंग द कोविड सिचुएशन, सो उन्होंने खुद से ही रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है। तो ये मैंने बहुत बार पढ़ाया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। व्हाट इज द सीएम ऑफ मतलब पंजाब, पंजाब में न्यू सीएम आया है एंड गुजरात के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए एयर बबल्स टू कंटिन्यू फॉर दिस सम टाइम। लुक व्हाट इज द एयर बबल, देखिए पेंडेमिक के सिचुएशन के टाइम क्या हुआ था, सब मतलब जाना आना बंद था, ठीक है, एयरलाइन भी बंद था, तो तभी क्या हुआ हो गया था, कोई भी कंट्री का अगर एयरलाइन खुला होता तो मतलब उस कंट्री से बाहर में, सपोज हम हमारे साथ इंडिया के साथ, सपोज दुबई का, ठीक है, इंडिया के साथ, चलिए यूएस व यूके का एक एयर बबल हुआ था, तो इंडिया से सिर्फ यूके जा सकता था, यूके से इंडिया आ सकता था, दूसरे लोग नहीं जा सकता था। इनफैक्ट देखिए इंटरनेशनल एयर ट्रेवल एंड फ्रॉम द कंट्री विल कंटिन्यू अंडर द एयर बबल अरेंजमेंट फॉर द फॉरवर्ड फॉरसेबल फ्यूचर, ठीक है। मिनिस्टर ने क्या कहा है, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिन्द्र स्किंडिया, ठीक है, ज्योतिन्द्र स्किंडिया इज द आवर सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला है, थ्रू दिस एयर बबल टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम, बिकॉज हम पूरा ओपन ओपनली ये मतलब ट्रैवल एयर ट्रैवल को हम खुला नहीं दे सकते, बिकॉज कोविड सिचुएशन अभी भी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं हुआ है। इट्स अनस्टेबल पोजीशन, बट स्टिल कोविड सिचुएशन अभी तक मतलब अंडर कंट्रोल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए एयर बबल को जो मतलब प्रोजेक्ट है वो उसको थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, पाकिस्तान एडवाइजेस तालिबान ऑन गेनिंग द वैलिडेशन। अब देखिए अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान के अंदर चला गया है, देखिए ये जो जितना इम्पोर्टेंट है इससे स्टैटिक मैंने बहुत बार बोला है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हमको क्या बोलना है, दैट इज काबुल, ठीक है, वहां का करेंसी क्या है, ये सब आ सकता है। इनफैक्ट वो अभी तालिबान के कंट्रोल पर चला गया है, तो अभी सभी कंट्री सभी स्टेट उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज टू मेंटेन द पीस, बिकॉज पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पर कोई वॉर लग गया तो इसीलिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंडिया ने क्या कहा था कल, देखिए कल जो आर्टिकल में था, इंडिया ने बोला था कि वीट मतलब ये एड देंगे, ठीक है, मतलब जितना वीट लगेगा इंडिया हेल्प करेगा अफगानिस्तान को, ठीक है। तो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर दैट इज शाह महमूद कुरैशी गेव अफगानिस्तान न्यू तालिबान रूल एडवाइस ऑन द थर्सडे ऑन हाउ टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ड्यूरिंग विजिट टू द नेबरिंग कंट्री। जब वो नेबरिंग मतलब गए थे, ठीक है, कौन गए थे, शाह महमूद कुरैशी जी, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था दैट इज
हम लोगों को क्या करना है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने एडवाइस दिया है तालिबान को कि आपको भी वैलिडेशन चाहिए, किस लिए, फॉर इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, क्लियर। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज तालिबान फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तालिबान फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुताबी, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, दैट इज तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताबी कॉल्ड मिस्टर कुरैशी विजिट अ वेरी गुड इंटरेक्शन ड्यूरिंग विच ट्रेड एंड रीओपनिंग ऑफ द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के पास ट्रेड जो है, एफटीए जो है, ये सब के बारे में मीटिंग हुआ है। इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंटली ये दोनों का नाम याद आपको रखना है, दैट इज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तालिबान दैट इज आमिर खान मुताबी एंड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर दैट इज शाह महमूद कुरैशी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए यूएस विल डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना। अब देखिए यूएस ने क्या कहा है, ताइवान को अगेंस्ट चाइना, ठीक है, डिफेंड किया है ताइवान को, क्यों, चाइना, देखिए चाइना को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम है बिकॉज चाइना एग्रेशन, ठीक है, चाइना का जो एग्रेशन है रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक रीजन इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर कंट्री, ऑल कंट्री दे आर वेरी वरी, ठीक है। तो क्या होगा, बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट विल डिफेंड ताइवान इफ चाइना अटैक, इफ प्रेसिडेंट जो बिडेन सेड प्रॉम्प्टिंग अ वार्निंग, देखिए चाइना अटैक कर सकता है इस कहां पर, ताइवान पे, क्यों, वो कब्जा करना चाहता है, इसीलिए यूएस ने क्या कहा है, यूएस का जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, कि वी विल डिफेंड यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए सेबी अप्रूव 16,600 करोड़ आईपीओ फॉर पेटीएम डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विसेज फर्स्ट पेटीएम, कितना रुपीज लिया है, रिसीव मार्केट रेगुलेटर, ठीक है, मार्केट रेगुलेटर कौन है, सेबी, अप्रूवल फॉर 16,000, ठीक है, 16,600 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफर किया है, सोर्स ऑफ द इन्वॉल्व इन द प्रोसेस से फ्राइडे, ठीक है, आपको याद रखना है सेबी ने अप्रूव किया है, क्या अप्रूव किया है, आईपीओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, किसको ऑफर किया है, पेटीएम को, कितना रुपया, 16,600, क्लियर, करोड़। अच्छा चलिए आज तक न्यूज यही तक था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एज यूजुअल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।